हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का दिन भाई दूज का दिन है। हर भाई और बहन को इसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। बट क्या आपको पता है कि ये भाई दूज को मनाने के पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है? नहीं पता? चलिए ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों काफ़ी हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई दूज को मनाने के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों यमराज जी और जो यमुना जी थे, वो दोनों भाई बहन थे। दोस्तों यमुना जी अपने भाई यमराज को काफ़ी बार अपने घर पर आने का निमंत्रण दे चुकी थी कि वो उनके घर पे आएं और उनके साथ भोजन करें। लेकिन दोस्तों यमराज जी अपने बिजी शेड्यूल के कारण काफ़ी बार इस चीज़ को मना कर देते थे, यानी कि वो बोलते भी थे तो आते नहीं थे। लेकिन दोस्तों कार्तिक मास में यमुना जी ने यमराज अपने भाई से एक दिन वचनबद्ध होके उनसे वचन ले लिया कि अब आपको मेरे घर पर आना ही आना है। तो दोस्तों उस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर पे गए, लेकिन घर पे जाने से पहले वो सोच रहे थे कि मैं तो हर किसी के प्राणों को हरता हूँ, हर कोई मुझसे बचना चाहता है, लेकिन मेरी बहन मुझे निमंत्रण दे रही है। तो दोस्तों यमराज जी ने इस खुशी में नरक में जितने भी प्राणी वास कर रहे होते हैं उनको मुक्त कर दिया। दोस्तों उसके बाद जब यमराज जी अपनी बहन यमुना के यहाँ पे पहुँचे, तो दोस्तों यमुना जी ने स्नान करके और पूजन करके अपने भाई को भोजन कराया, और दोस्तों उसके बाद उन्होंने अपने भाई का तिलक भी किया। दोस्तों यमराज जी ने इस आवाभगत से प्रसन्न होकर अपनी बहन यमुना को बोला कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ। तो दोस्तों यमुना जी ने अपने भाई यमराज से बोला कि हे भाई, इस दिन जो भी बहन अपने भाई को कलावा बांधे और उसका टीका करे, उसको चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, उसको कभी भी तुम्हारा भय ना हो, ये मुझे वचन दो। दोस्तों उसी दिन यमराज जी ने यमुना को उसी समय ये वचन दिया, और दोस्तों उसी दिन से ये भाई दूज का जो पर्व है ये मनाना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये है भाई दूज के पीछे की असली पौराणिक कथा। कैसी आपको मेरी यह वीडियो लगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि जिसको भी भाई दूज की कथा सुननी हो उसके पास ये वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।